स्वागत है दोस्तों आपका मेरी एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पोकेमोन के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। तो दोस्तों बढ़ते अपने पहले फैक्ट की तरफ। दोस्तों हमने पोकेमोन में देखा है कि जितनी भी नर्स जॉय है वो सब एक जैसे ही दिखती है, और वैसे ही पोकेमोन में जितने भी ऑफिसर जेनी दिखाई है वो सब भी बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। तो आखिर इनके बीच अंतर कैसे पता लगाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो ऑफिसर जेनी है उनकी हेड पर एक सिंबल बना हुआ होता है, और जितनी भी ऑफिसर जेनी है उन सब की हेड पे जो सिंबल है उनका डिज़ाइन अलग होता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी ऑफिसर जेनी किस सिटी की है। और बिल्कुल वैसे ही जितनी भी नर्स जॉय है उनकी हेड पर भी एक प्लस का सिंबल बना होता है, जिनका कलर एक दूसरे से अलग होता है। तो इससे ही लोग उनके बीच डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सी वाली नर्स जॉय और कौन सी ऑफिसर जेनी किस सिटी की है। दोस्तों क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोकेमोन कितना ज़्यादा पॉपुलर है? मैं आपको बताता हूँ, 2008 में जैपनीज साइंटिस्ट ने एक प्रोटीन डिस्कवर करा था जिसका नाम उन्होंने पिकाचुरिन रखा था। वाओ, पोकेमोन के नाम पे एक प्रोटीन का नाम। दोस्तों क्या आपको पता है पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट पोकेमोन कौन है? पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट पोकेमोन अलकाज़ैम है। इसकी पोकेडेक्स एंट्री में बताया गया है कि इसका IQ 5000 है, 5000, और इसका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है। लेकिन कितनी अजीब बात है, फिर भी ये इंसानों की गुलामी करता है। 1998 में टोबेका नाम की सिटी थी, उस सिटी ने अपना नाम एक दिन के लिए बदलकर टोबेका से टो पिकाचू रख दिया था, और 20 साल बाद 2018 में उन्होंने वापस से एक दिन के लिए अपना नाम बदलकर टो पिकाचू रख दिया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोकेमोन का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। क्या आपको पता है जो वल्फिक्स है उसका नाम पहले फायरफॉक्स रखा जाना था, जो कि एक ब्राउज़र का भी नाम है, लेकिन बाद में इसे बदलकर वल्फिक्स कर दिया गया था। लैटिन में फॉक्स को वल्फिक्स कहते हैं, और वहीं से उन्होंने इसका नाम वल्फिक्स रखा। दोस्तों क्या आपको पता है मिस्टी और ब्रॉक का पूरा नाम क्या है, उनका सरनेम क्या है? हमें पोकेमोन में बस उनका नाम मिस्टी और ब्रॉक ही दिखाया गया है, लेकिन उनका एक सरनेम भी है। जैसे ऐश का नाम तो ऐश कैचम है, तो मिस्टी और ब्रॉक का पूरा नाम क्या है? तो सुनिए, ब्रॉक का पूरा नाम ब्रॉक हैरिसन है, और मिस्टी का मिस्टी विलियम्स है। दोस्तों आपने पोकेमोन ट्रेडिंग कार्ड्स तो देखे ही होंगे या फिर इनके बारे में सुना तो होगा ही। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे महंगा पोकेमोन ट्रेडिंग कार्ड कौन सा है, इसका प्राइस देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों जो सबसे महंगा कार्ड है उसका नाम फर्स्ट एडिशन होलोग्राफिक चार्जिजार्ड कार्ड है, और इसकी कीमत $55,000 है, $55,000। दोस्तों पोकेमोन में जितने भी रीजन्स हैं वो सारे किसी रियल जगह पर बेस्ड है। कांटो, जोटो, हुईन, शिनो, ये चारों के चारों जापान की अलग अलग सिटीज़ पर बेस्ड करके बनाए गए हैं। वहीं यूनोवा न्यूयॉर्क सिटी पर बेस्ड है, कालोस रीजन फ्रांस पर बेस्ड है, अलोला रीजन US पर बेस्ड है, और गालार रीजन UK पर। और गालार रीजन के मैप की खास बात यह है कि अगर हम UK के मैप को उल्टा करके देखें तो गालार का मैप बन जाएगा, है ना ये अमेजिंग बात। और दोस्तों क्या आपको पता है जो कांटो रीजन में जितनी भी सिटीज़ दिखाई गई है वो सब सिटीज़ किसी ना किसी कलर पर बेस्ड है? क्या आपको पता है पोकेमोन में जितने भी प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस कराया गया है उन सब का नाम ट्रीज पर बेस्ड है, हाँ पेड़ों पर बेस्ड है। जैसे प्रोफेसर ओक का नाम ओक ट्री पर बेस्ड है, वैसे ही प्रोफेसर एल्म का नाम एल्म ट्री पर बेस्ड है, वैसे ही प्रोफेसर बर्च जो बर्च ट्री पर बेस्ड है, रोवन ट्री, जूनिपर ट्री, स्काईमोर ट्री, कोकोई ट्री, मैग्नोलिया ट्री। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।